हे लव्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जो पर्सन आपके दिल में है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो करंटली वर्तमान में क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप देखोगे आपके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। सो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इस दिन ही देखना है या इस दिन देखोगे तो ही एप्लीकेबल होगा और एल्स नहीं। जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, विच मीन्स मेल फीमेल थर्ड जेंडर, आप किसी भी जेंडर के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। इस वीडियो में मैं इस चैनल पे मैंने मैनिफेस्टेशन एंड तरह तरह के स्पिरिचुअल कंटेंट और भी अपलोड किए हुए हैं, तो अगर आपको और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज या हेल्प चाहिए तो आप इस चैनल को अच्छे से विजिट करो, वीडियोस को स्क्रॉल करो, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे कंटेंट देखने को मिल जाएंगे एक्सेप्ट टैरो रीडिंग्स। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए, जिनकी भी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। ओके, सबसे पहले वी हैव दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वी हैव द हेरोफेंट। We have the moon and we have seven of swords and ten of wands. Okay, ये दोनों साथ में आए। Anyway, let's see. तो सबसे पहले विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स करंटली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है एंड द हेरोफेंट कार्ड आए हैं। तो ये क्लियरली यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आपके जो पर्सन है करंटली वो सोच रहे हैं कि उन्हें आपके साथ कमिट करना है। वो बहुत टाइम से सोचे जा रहे हैं कि उन्हें आपके साथ कमिटमेंट चाहिए, उन्हें आपके साथ जीना है, उन्हें आपके साथ रहना है, उन्हें आपके साथ ज़िंदगी देखनी है, लेकिन अब तक वो सोचे जा रहे थे उसके ऊपर, उस बात को, उस फीलिंग को, उस थॉट को अमल नहीं कर रहे थे, उस पर एक्शन नहीं ला रहे थे। ठीक है, जस्ट दे वर फीलिंग विद इन देमसेल्व्स ओनली। लेकिन अब ये पर्सन ऑफिशियल करना चाह रहे हैं, उन्हें ऐसा करंटली फील हो रहा है कि दिस इज़ द हाई टाइम नाउ। ये अब ऐसा वक्त है जहाँ पर अगर हमें प्रपोज करना है हम करेंगे, अगर हमें रियूनियन के लिए मेहनत करनी है हम करेंगे, अगर हमें माफ़ी मांगना है रिश्ते को ठीक करने के लिए तो हम करेंगे, अगर हमें घर वालों से बात करनी है शादी वगैरह के लिए तो भी हम करेंगे, लेकिन इस रिश्ते को अब हम ऑफिशियल करके रहेंगे। ठीक है, अब मुझे सोचते नहीं बैठना है, अब मुझे ऐसा नहीं रुके रहना है कि देखते हैं कब हो सकता है, कब हो सकता है। ठीक है, अब खुद रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह अपने इंट्यूशन को, अपने इमोशंस को प्रायोरिटाइज करते हुए हमें जो है ऑफ़र देना है। तो ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं करंटली, मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है आपकी तरफ ऑफर लेकर आगे बढ़ते हुए। ठीक है, तो बहुत जल्द आपको इस पर्सन का कॉल, मैसेज या इस पर्सन से मुलाकात, इस पर्सन का प्रपोजल कुछ भी रिसीव हो सकता है। तो क्लियरली मुझे यहाँ दिख रहा है इस पर्सन ने मैनिफेस्ट करा है आपको, इस पर्सन ने बहुत टाइम तक ये फील करते रहे हैं अंदर से, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि यही वक्त है जब हमें अब आगे बढ़ना है और हमें अपने तरफ से पूरा ट्राई करना है। तो ये इंसान आपके साथ अब कमिटमेंट में आना चाहते हैं, ऑफिशियल करना चाहते हैं, रिश्ते को नाम देना चाहते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर मून कार्ड में दिख रहा है कि इस पर्सन के दिल में, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें धुंधली थी, जिसके वजह से वो आपके साथ लॉयल रहना चाहते थे, कमिटेड रहना चाहते थे, लेकिन फिर भी हो सकता है उस फ्लो में वो आगे नहीं बढ़ पाते थे, क्योंकि इनके दिल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स था, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा अनक्लैरिटी थी। ठीक है, सारी चीज़ें धुंधली थी, कुछ समझ नहीं आता था इनको, लेकिन आप कहीं ना कहीं रियलिटी को और एक छल को ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, क्या सही है क्या नहीं समझ पा रहे हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली ही ये अपनी दिल की क्लियर आवाज़ को भी सुन पा रहे हैं। ठीक है, अपने आप को, अपने वजूद को, अपने फीलिंग्स को टूवर्ड्स यू ये समझ पा रहे हैं एंड उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। अब तक हो सकता है कि प्यार करते थे, लेकिन उसके उस प्यार को लेकर
इनके दिल में दिमाग में एक्सेप्टेंस नहीं था, एक डर था कि शायद प्यार नहीं है या फिर प्यार है तो कम कर देना होगा। लेकिन अब वो अल्टीमेट रियलिटी समझ रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने इमोशंस को कि वो आपसे प्यार करते हैं और वो एक इस तरीके का प्यार करते हैं आपसे जो वो बिल्कुल भी भुला नहीं सकते, या फिर ये प्यार वो पास ऑन करके किसी और के साथ नहीं कर सकते, किसी और को वो प्यार नहीं दे सकते जो वो आपको देना चाहते हैं। तो ये क्लैरिटी, ये रियलिटी इनको नज़र आ चुकी है करंटली, एंड इसके वजह से ही अब ये डेफिनेटली एफर्ट्स डालने के मूड पर हैं और अब ये एफर्ट्स डालकर ही रहेंगे। इनके दिमाग में मुझे बस दिख रहा है कि इन्हें एफर्ट डालनी है आपके प्रति, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है कि अब तक जो मेच्योरिटी दिखानी थी, जो दूर भागना था, जो नाटक करना था, ठीक है, जो खुद प्रॉब्लम क्रिएट करना था, ये सब हटाना होगा। अब नई शुरुआत करनी है, हमें अब अपने अंदर बदलाव लाना है। तो इन्हें कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने कंटिन्यू करा है रिश्ते को या आपके साथ बॉन्डिंग को, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, रिफ्रेशिंग नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा स्टकनेस से भरी हुई, नेगेटिविटी से भरी हुई, अनसर्टिनिटी से भरी हुई है। तो अब उनको समझ आ रहा है कि इस तरीके से नहीं चलेगा। अब अगर हम इतना ही चाहते हैं तो हम पूरा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे कि ये रिश्ता हमारे वजह से आगे चल पाए और इसमें खुशियां आ पाए और इसमें ग्रोथ हो पाए। तो अब ये समझ रहे हैं कि नहीं, इनका अभी वक्त है, अगर इन्होंने अब ट्राई नहीं किया तो आपके तरफ से भी कोई एफर्ट्स की एक्सपेक्टेशंस ये कभी भी लाइफ में नहीं रख पाएंगे, ना उम्मीद कर पाएंगे। तो ये पर्सन अब डेफिनेटली अपने सारे चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, ठीक है। जो रुका हुआ एनर्जी इनका था, जहाँ पर ये कुछ ना करना आपके प्रति, आपके लिए कुछ ना करना, रिश्ते को सही करने के लिए कोई एफर्ट ना डालना, ये सब एनर्जी थी वो अब हटाना चाहते हैं। आप अपने स्ट्रगल पीरियड को साइड में रखते हुए आपके रिश्ते में 100% डालना चाह रहे हैं, क्योंकि करेंटली इनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम अपने ज़िंदगी के बारे में सोचते रहें सिर्फ और सिर्फ, तो सब कुछ हो सकता है, मिल जाए, आगे बढ़ जाए, लेकिन ये प्यार, ये रिश्ता कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना ही हमें ज़िंदगी में कभी वो खुशियाँ मिल पाएगी जिसके हम तलाश में हैं, ठीक है। तो उन्हें समझ आ रहा है कि अगर उन्होंने एक बैलेंस लाइफ लीड नहीं किया, अगर उन्होंने सारे फैक्टर्स को, सारे लाइफ इवेंट्स को इक्वली प्रायोरिटाइज नहीं किया, तो उनके लाइफ से ये खुशियाँ, ये प्यार ज़िंदगी भर के लिए छिन सकता है, ठीक है। तो दे आर रियलाइजिंग कि हर एक चीज़ ज़िंदगी में ज़रूरी है। ये बहुत बार होता है ना, कोई इंसान अपने करियर में फोकस करता है तो वो प्यार को भूल जाता है, टाइम ही नहीं देता, बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है प्यार व्यार के लिए, मुझे पहले करियर करना है। तो हर एक चीज़ लाइफ में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप किसी को प्यार करते हो और सिर्फ जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग इन योर करियर, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने प्यार को अबंडन कर दो। हाँ, हो सकता है कि आप टाइम कम दे पाओ, हो सकता है कि आप उतने इन्वेस्टमेंट ना कर पाओ क्योंकि आपका दिमाग, आपका एफर्ट, आपकी एनर्जी कहीं और ज़्यादा लग रही है करियर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अबंडन कर दो, आप रिश्ता तोड़ ही दो, आप कोई फीलिंग्स ही ना रखो, ठीक है। ये सारी चीज़ें कोवर्ट्स करते हैं जिनकी बस की बात नहीं होती है, ठीक है। और जो लोग एक्सक्यूज़ देकर रिश्ते से भागना चाहते हैं, वही लोगों का नाटक होता है कि करियर में काम करना है या करियर की वजह से हम रिश्ता नहीं चला सकते, ठीक है। तो ये कोवर्ट्स का काम है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, शिफ्ट्स आ रहे हैं, डेफिनेटली बहुत ही जल्द, विद इन फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स और विद इन फ्यू डेज ये पर्सन डेफिनेटली एफर्ट डालेंगे, जिससे आप देखोगे कि यस, ये पर्सन अब आपके लिए तड़प रहे हैं, ये पर्सन आपको अब कमिट करना चाह रहे हैं, एंड ये पर्सन अपना सब कुछ अब डालना चाहते हैं इस रिश्ते में, और आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है अगर अब तक आप करते हुए आए हो तो, ठीक है। वी हैव, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे मनाओ। सो देखिए, ये पर्सन की एनर्जी भी दिख रही है कि ये पर्सन हो सकता है अब तक वेट कर रहे थे कि आप उन्हें मनाओगे या आप उन्हें चेस करोगे, अटेंशन दोगे, बट हो सकता है आपने ऐसा नहीं करा। तो अब उनको लग रहा है कि अब अगर इन्होंने नहीं किया आपके लिए तो चीज़ें बिगड़ सकती है। हाउ मच आई हैव टू वेट, ओ गॉड दिस डिस्टेंस सक्स। तो ये पर्सन हो सकता है कि जल्द से जल्द आपके पास आना चाह रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है दूसरी कंट्री में ही रहते हैं ये पर्सन आपसे, या फिर अभी दूर है बहुत ज़्यादा, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इनके लिए आपके तरफ आना या मिलना, तो ये वेट नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली। ओके, और भी कार्ड्स देखेंगे। I'm trying really hard to come towards you. I'm trying to overcome each and every obstacles to get you forever in my life. ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि अपना पूरा ट्राई कर रहे हैं कि ये सारे बाधाओं को, प्रॉब्लम को निकाल कर ये आपके करीब आ पाएं। I denied my feelings for you, but for a long time, but it didn't work. The feelings only grew stronger and stronger.
ईच डे। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि इनका जो प्यार है, इन्हें लगा था कि प्यार खत्म हो जाएगा या ये इन्फैचुएशन है, बट जितना दिन बीतता गया ये आप समझने लगे हैं कि नहीं, ये प्यार सच्चा है और ये बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। जितना ये पहले आपसे किया करते थे उससे कहीं गुना ज़्यादा ये पर्सन अब आपसे प्यार करते हैं। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय।